हेलो दोस्तों, मेरा नाम नीरज, स्वागत है आपका आईटीआई ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको रेलवे के एग्जाम में आने वाले साइंस और जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे, जो बार बार आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं। दोस्तों, रेलवे से संबंधित सभी एग्जाम जैसे NTPC, ग्रुप डी, RPF, ALP आदि एग्जाम में 25 क्वेश्चन जीके से आते हैं और 25 क्वेश्चन साइंस से आते हैं। डेली हम आपको इसी वीडियो के माध्यम से सभी क्वेश्चन को कवर कराने की कोशिश करेंगे और यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। दोस्तों, हम आपको वीडियो में 20 क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। इसी तरीके से आपको डेली वीडियो मिलती रहेंगी और 20-20 क्वेश्चन, टॉप 20 क्वेश्चन आपको हम सॉल्व कराते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, पीछे के यातायात को देखने के लिए वाहनों में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, जो साइड मिरर होता है गाड़ियों में, उसका पूछा गया है कि कौन सा वहाँ पर दर्पण होता है। तो वहाँ पर हम ए ऑप्शन में दिया गया है अवतल दर्पण, बी ऑप्शन में दिया गया है बेलनाकार दर्पण, सी ऑप्शन में दिया गया है उत्तल दर्पण और डी ऑप्शन में दिया गया है समतल दर्पण। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा दर्पण होता है जो कि हम गाड़ियों के साइड व्यू देखने के लिए उपयोग करते हैं। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। गाड़ियों के साइड में हम उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, तो इसका हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत किन बीमारियों का टीकाकरण किया जाता है। पहला ऑप्शन है डिप्थीरिया एवं काली खांसी, दूसरा ऑप्शन है टिटनेस एवं पोलियो, तीसरा ऑप्शन है तपेदिक, खसरा एवं हाइपेटाइटिस बी और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि जो मिशन इंद्रधनुष होता है उसके अंतर्गत हम इन सभी बीमारियों का टीका लगाते हैं, तो इसका हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में कौन सा क्षारक पाया जाता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में आपको बताना है कि कौन सा क्षारक होता है। तो ए ऑप्शन में दिया गया है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, बी ऑप्शन में है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सी ऑप्शन में है सोडियम हाइड्रोक्साइड और डी ऑप्शन में है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो आपको पता होगा कि जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं, तो इसका हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो आपको अच्छे से पढ़ना है क्वेश्चन को, यहाँ पर पूछा गया कि कौन सा सही नहीं है, मतलब बाकी के जो तीन ऑप्शन हैं वह सही होंगे और एक होगा जो कि गलत होगा। तो आपको बताना है कि कौन सा गलत है। ए ऑप्शन में है ग्रेफाइट कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ है, बी ऑप्शन में है मीथेन को मार्स गैस भी कहते हैं और सी ऑप्शन में है ग्रेफाइट हीरा तथा फुलरीन कार्बन के क्रिस्टलीय पर रूप है और डी ऑप्शन में है LPG CNG आदि गैसीय ईंधन है। तो आपको बताना है कि चौथे ऑप्शन का क्या होगा। जो ए ऑप्शन में लिखा गया है ग्रेफाइट कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ है, ये हमारा इसका आंसर गलत है, मतलब कि इसका हमारा चौथे का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ये ए ऑप्शन में जो लिखा गया है वह सही नहीं है। बाकी जो तीन ऑप्शन में है BC और D ये हमारे सही हैं, तो इसका हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है, तो इसका हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आपको सारे क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पीतल में क्या होता है। दोस्तों, पीतल में कौन सा जो होता है अलॉय होता है, भाई आपको बताना है कि पीतल किस किस धातुओं से मिलकर बना होता है। तो इसको याद करने की एक ट्रिक होती है पिताजी। अब पिताजी लिखेंगे तो पा से हो जाएगा पीतल, ता से हो जाएगा तांबा और जा से हो जाएगा जिंक। तो पिताजी लिखेंगे पीतल तांबा जिंक। पीतल कैसे बनता है, तांबा और जिंक से। तो देखिए ए ऑप्शन में ही लिखकर आ गया है तांबा और जिंक, तो इसका हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित गैस समूह में कौन सा समूह ग्रीन हाउस प्रभावों में सर्वाधिक योगदान देता है। तो आपको बताना कि सबसे जो प्रभावी गैस होती है ग्रीन हाउस प्रभाव में वह कौन सी होती है। तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल वाष्प, यह हमारी सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस प्रभाव वाली गैस होती हैं, तो इसका हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक्वा रेजिया में HNO3 तथा HCl किस अनुपात में होते हैं। तो ये हमारा 1:3 के रेशो में होते हैं, तो इसका हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। तो क्लोरोफॉर्म का उपयोग हम करते हैं निश्चेतक के रूप में, तो ये हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों, अच्छे से आपको इन सभी क्वेश्चन को याद कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हारमोन्स रंध्रों को बंद कर सकता है। तो हमारा जो ABA हारमोन्स होता है वह रंध्रों को बंद कर सकता है, तो इसका हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस है। दोस्तों, कंप्यूटर से संबंधित भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। पूछा गया कि इनपुट डिवाइस कौन सा है, तो
माउस, कीबोर्ड और टच स्क्रीन, ये हमारे सभी इनपुट डिवाइस होते हैं। तो इसका हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूत्री विभाजन की खोज किसने की थी? तो जो फ्लेमिंग है, फ्लेमिंग नाम के एक वैज्ञानिक, उन्होंने ही समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, ये जो हमारा होता है कोशिका में पाया जाता है, सूत्री विभाजन उसकी खोज की थी। इसका हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में अधिकांश CO2 का परिवहन किस रूप में होता है? तो जो CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, इसका परिवहन होता है बाइकार्बोनेट के रूप में। तो इसका हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मुख्य भूमिका निभाता है? तो जो मॉलिब्डेनम होता है वह नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में बहुत अधिक भूमिका निभाता है। तो इसका हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरित ग्रंथियाँ किसमें पाई जाती हैं? तो जो झींगा होता है उसमें पाई जाती हैं हरित ग्रंथियाँ सबसे ज़्यादा। तो इसका हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इकोसिस्टम में ऊर्जा का परम स्रोत क्या है? तो सबसे बड़ा हमारा सबसे परम स्रोत होता है ऊर्जा का, वह सूर्य है, सूर्य से ही ऊर्जा मिलती है। तो इसका हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पीत ज्वर का संचरण किसके द्वारा होता है? तो जो एटीज इजिप्टी होता है, इसके द्वारा पीत ज्वर का संचरण होता है, इसी के द्वारा बीमारी फैलती है। तो इसका हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल से बाहर निकाल दिए जाने पर मछलियाँ क्यों मर जाती हैं? दोस्तों मछलियाँ जल में रहती हैं, अगर उनको हम जल में से निकाल देते हैं, पानी से बाहर कर देते हैं, तो वह मर जाती हैं, इसका क्या कारण होता है? तो इसका हमारा कारण होता है श्वसन में बाधा, क्योंकि जो मछलियाँ होती हैं वह पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करके ही जीवित रहती हैं, उसी से वह सांस लेती हैं, बाहर आ जाती हैं तो वो सांस लेने में उनको तकलीफ होती है, इसलिए हमारा इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित किस युक्ति द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है? दोस्तों यहाँ से तो एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है, कोई ना कोई यंत्र आपको दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इसका क्या कार्य होता है, ये कौन सी ऊर्जा को कैसे बदलता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? विद्युत मोटर जो होती है वह हमारी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है। तो इसका हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गन्ने का लाल गलन मतलब रेड रॉट रोग किसके कारण होता है? तो यहाँ पर आपको बताना है कि गन्ने में जो होता है, गन्ने में सड़न हो जाती है ना, जो लाल लाल रंग का हो जाता है अंदर से गन्ना, वह रोग कैसे होता है, उसको हम रेड रॉट बोलते हैं। तो ये हमारा होता है ये ऑप्शन, कोलीटोटाइटम फलकेटम नामक एक होता है वायरस, या जो होता है फफूंद बोलते हैं इसको, उसी के कारण यह रोग होता है। तो इसका हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों इतने सारे क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ चुके होंगे, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और ऐसे वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, ताकि भाई भी अपनी अच्छे से तैयारी कर सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।